मजे की सलामती प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो है फादर्स डे स्पेशल। तो आज फादर्स डे है और आपके साथ जिन मेहमानों को मैं आज मिलवाऊंगी, जो बातचीत आज हम करेंगे, वो करेंगे हम फादर्स के मुतालिक। बाप क्या होता है, आज ये पूरा प्रोग्राम है बाप जो हमारे घर का सरबराह होता है। हम आज का पूरा प्रोग्राम अपने फादर्स को डेडिकेट करते हैं और आज हम सीखेंगे फादर्स के बारे में और करेंगे बातचीत उस पुरखलूस हस्ती के बारे में जो संभालता है घर की पूरी बागदौड़। तो अजीजो, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आज के अपने प्यारे और पुरखलूस और शफकत से भरे मेहमानों को मैं अपने स्टूडियोज में वेलकम करूंगी। मेरे सबसे पहले मेहमान हैं पास्टर सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जावेद, जो LBI के ग्रेजुएट हैं। वो एक टीचर भी हैं, वो बाइबल मुकद्दस को, मैं कहती हूँ चलती फिरती बाइबल हैं, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस को बड़ी ही खूबसूरती से शुरू से आखिर तक बाखूबी जानते हैं और बड़ा खूबसूरती से कलाम मुकद्दस को हमेशा वो बयान करते हैं। तो मेरे पहले और बहुत ही पुरशफीक पर्सनालिटी, तो मैं उनको वेलकम करूंगी अपने स्टूडियोज में। पास्टर सैमुअल, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे अगले मेहमान हैं पास्टर सैमसन शफकत, जिनका ताल्लुक भी जो है वो द बाइबल चर्च गुजरामाला से है और ये भी LBI के ग्रेजुएट हैं, पास्टर हैं और एक पुरशफीक शख्सियत हैं, एक बाप हैं। तो मेरे अगले मेहमान हैं पास्टर सैमसन शफकत, वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। थैंक यू ब्रदर। अजीजों, मेरे अगले मेहमान हैं पास्टर शफीक, जिनका ताल्लुक है द बाइबल चर्च योहानाबाद और ये भी LBI के ग्रेजुएट हैं, पास्टर हैं, एक फादर हैं। तो मैं इनको वेलकम करूंगी अपने स्टूडियोज में। पास्टर शफीक, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। जी थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। अजी, जो नेक्स्ट मेरे जो मेहमान हैं उनका नाम है पास्टर इखलाक और अपने नाम की तरह वो बहुत ही खुश इखलाक हैं और उनका ताल्लुक है द बाइबल चर्च ग्लोरिया कॉलोनी से, LBI के ग्रेजुएट हैं, पास्टर हैं और एक फादर हैं। तो हम मिलकर उनको अपने स्टूडियोज में वेलकम करेंगे। पास्टर इखलाक, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। सिस्टर, खुदावंद आपके साथ हो। मेरे अजीजों, फादर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम दुआ करें और आज के इस बाबरकत प्रोग्राम को दुआ से स्टार्ट करें। तो मैं दावत दूंगी सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जावेद साहब को कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सर जी, प्लीज। ओके, लेट्स प्रे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा इब्राहिम, ज़ाकर यकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने पाक खून से खरीद लिया। बाप तेरा शुक्र, उसी खून की बुनियाद पर हम सब के सब तेरे फजल के तख्त के सामने झुके हुए हम तुझे सिजदा करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खुदावन स्टूडियो के बाबरकत प्रोग्राम के लिए जो कि फादर्स डे के तलुक से है। आसमानी बाप, मैं तेरे हसूर मिन्नत करता हूँ आज के सारे प्रोग्राम पर, तेरी बरकत रहे खुदावंद, अपने खात्मों को अपना कलाम देना, तेरा पाक रू रहनुमाई करे ताकि खुदावंद दुनिया को, इन बच्चों को और इसी तरह खुदावंद फादर की जो जिम्मेदारियाँ हैं तेरे लोग कलाम मुकद्दस की रोशनी में बच्चों के सामने रख सकें। जब सोनिया बेटी प्रिसाइड करती है, अपनी बच्ची की बड़ी मदद कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए हम सब पर, तेरा बरकत वाला हाथ इस सदारा पर, इस स्टूडियो पर बड़ा रहे और भाई अमृत मैडम मर्सी डेविड उनकी फैमिली पर भी तेरा बरकत वाला हाथ बड़ा रहे। इस प्रोग्राम को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, आखिर तक अपने बच्चों का साथ देना, मांगता तेरे बेटे यीशु के नाम में। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस बाप के शफीक किरदार के बारे में हमें क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हम देखेंगे आज पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब उसके दो बाप की 15-17 आयात हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग़े अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया
तुम्हारा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़े बरकत हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमने अभी देखा, सुना, पढ़ा कि वो इंसान जिसे खुदावन ने सबसे पहले तख्लीक किया था, कुरैश का पहला इंसान आदम, जो कि पहला बाप भी था। हमने देखा कि कलाम मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावन ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। खुदावन ने उसे बाग़ अदन की निगाहबानी और बागबानी की जिम्मेदारी दी। बागबानी से मुराद ये है कि वो उस बाग की दरख्तों की हिफाजत करता था, उन्हें पानी देता था, उनकी खाद वगैरह चेक करता था, हर एक चीज़ वो अपने हाथों से करता था। और निगाहबानी की जिम्मेदारी भी दी उसे, ताकि वो निगाहबानी करे कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे नुकसानदेह अंसर इस बाग में, मेरे इस घर में दाखिल ना हो। अगर हम ये देखें तो ये कलाम खुदा में बरहक है कि आदम को ये जिम्मेदारी मिली, और यही जिम्मेदारियाँ आज का बाप भी निभाता है। तो मेरे अजीज़ों, आइए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बाप के इस पुरवकार शख्सियत और बाप के किरदार के बारे में हम सीखना शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले दावत दूंगी पास्टर सीनियर प्रोफेसर सैमुअल जावेद को कि वो हमें बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और माशर्ती पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाप के किरदार के बारे में बताएं। तो पास्टर जी, हमें एक बाप के बारे में बताइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। मुझे ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैंने कलाम मुकद्दस की रोशनी में और फिर दुनिया में जो कच्चल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए, उसके तलक से जो फादर है यानी बाप है, उसके बारे में नाज़रीन के सामने कलाम खुदा में से पेश कर सकूं, तो खुदा का शुक्र है कि ये खुदा के लोगों ने दिन रखा ताकि पूरी दुनिया में जो के आदम की नस्ल है, बताया गया कि पहला बाप वो है, लेकिन उससे भी एक अजीम हस्ती खुदा बाप है जी, जिसने आदम को तख्लीक किया और उसके साथ उसका जीवन साथी, फिर उसके साथ उसने खुदा के लोग बयान करती हैं कि खुदा ने आदम को, उसकी बीवी को और इसी तरह उनके तमाम बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जो सबसे अजीम हमारा बाप है वो खुदा है, जो पूरी दुनिया का ख्याल रखता है, जो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी को उठाए हुए है, और वो अजीम हस्ती है, लेकिन उसके नीचे आदम, जिसको खुदा ने जिम्मेदारी दी कि वो बाग की बागबानी और निगहबानी करे। बेशक उस वक्त के लिहाज से बागे अदन था, मगर इस दुनिया में देखें तो बाप जो है उसके साथ उसका जीवन साथी माँ जो है, बच्चों की माँ, आदम की बीवी, तो उन्हीं के वसीला से खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा और आगे खुदा ने उनको बढ़ाया, और वो भी एक बाग की तरह फैमिली है। मगर इसका जो सरबराह है, पहले मैं बता चुका हूं कि सबसे अजीम हस्ती तो खुदा बाप है, जो सारी दुनिया का ख्याल रखता है, सबकी परवरिश करता है, सबकी जरूरतों को पूरा
करता है, लेकिन उसके नीचे जो वालदैन हैं उनमें सरबराह जो है फैमिली का वो है आदम, और फिर आदम इससे आगे हम जब बढ़ते हैं तो आदम ने अपने बच्चों की परवरिश जो थी वो खुदावन के खौफ में की। कैसे में पता चलता है? पदायश की किताब उसका अगर आप चौथा बाब पढ़ें तो लिखा है कि खुदा ने आदम को कैन और हाबल दो बेटे दिए, इनके अलावा और भी थे, सेत भी था, और भी बहुत से बेटे बेटियां थी। ये पांचवें बाब की पहली याद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने खुदा के हजूर में हदिया पेश किया तो उन्होंने ये कैसे सीखा? अपने घर के सरबराह से, अपने बाप से। आदम ने उनको ये तालीम दी कि हमसे बढ़कर एक अजीम हस्ती है और हमने उसको भी जो खुदा हमें देता है तो उसके दिए में से उसको अपनी कमाई में से वापस लुटाना है। तो आपको पता है पदायश चौथे बाब में देखें तो लिखा है कि ये दोनों भाई जो थे वो खुदा के जोर में हदिया लेकर आए। तो ये किसने सिखाया? उनके बाप ने। और इससे आगे जब बढ़ते जाएं तो नूह का दौर आ गया। पदायश की किताब छठे बाब से लेकर आठवें बाब तक आप पढ़ें तो नूह ने जो एक फैमिली एक घराने का सर था, सरबराह था, उसने भी अपने तीन बेटों सेम हाम और याफ्त को खुदा की शिनाख्त करवाई। ये बाप की पहले खुदा के तलुक से जिम्मेदारी है। और लिखा है कि उसके साथ तीन उनकी बहु बेटियां थी, नूह की तीन बहु बेटियां, तीन बेटे जिनको नूह ने खुदा के तलुक से तालीम दी, सिखाया कि वो खुदा का खौफ माने। जैसे जमाने के लोग बुरे हो चुके हैं तुमने नहीं होना, क्योंकि लिखा है कि नूह के जमाने के लोग जो थे वो बिगड़ चुके थे, नशे में, हरामकारी में, जिनाकारी, बुरे काम, चोरियां, डाके, बुराइयां। और लिखा है कि वो जमाना इतना गुनाह में बढ़ चुका था कि खुदा ने फैसला किया कि इस जमाने को गर्क कर दिया जाए, जमाने को तबाह कर दिया जाए, और खुदा ने ऐसा किया। मगर बाप की ये जो जिम्मेदारी थी कि उनको खुदा की शिनाख्त करवाए, उनको खुदा के बारे में बताया जाए, तो इस वजह से नूह के बेटे और उनकी बहु बेटियां तूफान से बच गए और खुदा ने उनको कश्ती में महफूज कर लिया। टर्न बाय टर्न हम देखते जाएं बाप कैसा चाहे कि वो अपने बच्चों का क्या करता है, फिक्र करता है, रूहानी इतबार से भी और जिस्मानी इतबार से भी। अगर आप इससे आगे बढ़े तो लिखा है कि दाऊद ने जो कि बादशाह था, नबी भी था, तो उसने भी अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताया। और दाऊद के बेटों में से बहुत से बच्चे जो थे वो खुदा की तरफ रुजू हुए। और इसी तरह अय्यूब के बारे में देखें तो अय्यूब ने भी, अय्यूब पहला बाब पढ़े पहली चार आयत तो लिखा है कि वो रास्तबाज शख्स था, खुदा परस्त था, खुद भी खुदा को प्यार करने वाला, और उसने अपने बच्चों को यह सिखाया कि वो किससे प्यार करें, खुदा से प्यार करें जो सबका क्या है, बाप है। और इसी तरह जब हम टर्न बटन देखते हैं तो
पुराना ऐतनामा देखें, नया ऐतनामा देखें, तो बाप जो है घर का सरबरा होता है और वो अपने बच्चों की हर चीज का क्या रखता है, ख्याल, कमाई करता है ना, बड़ी मुश्किल में पड़ता है, रोजी कमा कर लाता है, उनके कपड़े का, उनकी जूती का, उनकी तालीम का और उनकी हर चीज का वो क्या रखता है, ख्याल रखता है। और इसी तरह कलाम मुकद्दस में भी ये लिखा है, खरूत की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत ये शरीयत दी और क्या कहा कि तू अपने बाप और माँ की क्या करना, इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र क्या हो, दराज हो और खुदाम तेरा खुदा जो मुल्क खुदाम तुझे दे उसमें तुझे क्या बख्शे, बरकत बख्शे। तो कलाम खुदा पुराना ऐतनामा ले ले, अगर आप नए ऐतनामे में चले तो मसीह खुदा ने भी इसी हुक्म को दोहराया। अगर आप इस तस्ना 5:16 में देखे, वहां पर भी यही मौजूद है। अगर आप मत्ती 15वां बाब उसकी 4वीं आयत में देखे तो मसीह खुदाम ने फकीयों फरीसियों को जो के शरा के आलम होते हुए, तो वो यहूदी बच्चों को अपने उस इबादत खाने में एक गलत तालीम दे रहे थे, वो क्या थी, वो ये थी कि जब तुम जवान हो जाओ, बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, तो अपने वालदान से कहना कि जिस चीज से मुझसे तुम्हें फायदा पहुंच सकता था, यानी कमाई करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो वो तो मैंने खुदा की नजर कर दिया। तो खुदावन यीशु मसीह ने फकीयों फरीसियों को ये हवाला देकर, पुराने ऐतनामे से हवाला देकर समझाया कि तुमने अपनी इस रवायत से, वो रवायत क्या थी, मसीह खुदा के शिगिर्दों पर सवाल था कि फकीर फरीसी अक्सर वो हाथ धोकर खाना खाते हैं पर तेरे शिगिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते। तो खुदा यीशु मसीह ने इसके जवाब में ये बात कही कि तुम ये करते हो, इस तरह की तालीम जो है वो देकर बच्चों को बिगाड़ते हो, बजाय इसके कि बच्चों को संवारना है, उनको माँ बाप की इज्जत करने के बारे में क्या करना है, उनको इनकर्ज करना है, ना कि हमने उनको डिसहार्ट करना है। तो इस वास्ते खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 15वें बाब की 4वीं आयत में उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, लिखा नहीं है, पुराने ऐतनामे का हवाला दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तालीम दी कि लिखा है कि तू अपने बाप और माँ की क्या करना, इज्जत करना। तो बाप इज्जत के लायक है, लेकिन बाप की देखिए जिम्मेदारियां बहुत सी हैं। इसके साथ साथ अगर आप इफिसियों का खत 6वां बाब उसकी 1 आयत पढ़े तो पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को भी यही तालीम दी और क्या कहा कि ऐ फरजंदो खुदावंद में, किस में, खुदावंद में, खुदावंद का खौफ मानते हुए कलाम के मुताबिक, क्या खुदावन में अपने बाप और माँ के क्या रहो भाई, फंबर दार रहो, बेशक माँ भी उसके साथ है लेकिन सर घराने का कौन है, भी फैमिली का सर कौन है, बाप है, बाप है। तो लिखा है कि ताकि तेरी उम्र दराज हो और खुदावन तुझे क्या बख्शे, बरकत बख्शे। तो मैं खुदा का खात्मा तवा ये कहूंगा कि बाप को भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है और इस तरह बच्चों को भी अपने बाप और माँ की क्या करना है, इज्जत करना है, ताकि वो बच्चे क्या पाए, बरकत पाए। लेकिन माशरे के अंदर देखा गया, हम लोगों को भी इज्जत करते हैं, बाप शराब पीता है और बच्चे भी क्या हो रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं, बाप जो है वो नशा करता है और बच्चे भी क्या करते जा रहे हैं, नशा, और बाप जो है वो खराब काम कर रहा है और बच्चे घर से नमूना लेके वो भी खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वास्ते माशरे की तरफ ना जाएं, बल्कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। क्या लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो इस वास्ते मैं खुदा का खादिम होता हुआ बाप को भी और इस तरह माँ को भी
बच्चों को, पूरी फैमिली को यह मैसेज देता हूँ कि वो अपने घराने के सर की क्या करें, इज्जत करें, और बाप क्या वो भी अपने घराने की जिम्मेदारियों को पूरा करें, उनकी एजुकेशन का, उनके कपड़े का, उनकी तालीम का, उनकी नौकरी का, उनकी हर चीज का उसने क्या करना है, फिक्र करना है, जैसे आसमानी बाप पूरी दुनिया का खासा फिक्र करता है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी खूबसूरती से आज के उन्वान को हमारे लिए पेश किया। और मेरे अजीजों, वाकई एक बाप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब हमने अभी कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि आदम को जो बागबानी की और निगाबानी की जिम्मेदारी मिली थी, तो कहीं ना कहीं जब शैतान जो है उसने एंट्री की बाग अदन में, तो उसने उस बाग की जो नज़्म व ज़ब्त था उसे डिस्टर्ब कर दिया, उसने सारे निज़ाम को हिला कर रख दिया, उसने बदनज़मी फैला दी। इसी तरह एक बाप की ज़िंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब वो अपने घर की कफालत कर रहा होता है, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, बेशुमार ऐसी पेचीदगियाँ आती हैं जो उसके घर के निज़ाम को भी दरम बरम करने की कोशिश करती हैं। आइए मज़ीद हम सीखते हैं कि एक बाप की ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आते हैं। एक बाप जब अपने घराना की परवरिश करता है, कफालत करता है, तो उसे क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं इस टॉपिक को बयान करने के लिए पास्टर सैमसन शफकत को दावत दूँगी कि वो हमारे लिए बयान करें कि एक बाप की ज़िंदगी में क्या पेचीदगियाँ, क्या मुश्किलात आती हैं। जी, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ, वो शायर था, वो लिखने वाला था, उसके साथ बात हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई, हम देखते हैं कि जितने भी शायर हैं उन्होंने माँ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर बहुत कम शायरों ने अपनी कलम को उठाया है। तो उनको चाहिए कि हालांकि बाप का किरदार कोई कम नहीं है, लेकिन अगर शायरों ने कम लिखा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। बाप का बहुत बड़ा किरदार है जो अपने घर की, अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। सो मेरी नज़र में तो बाप का जो किरदार है वो एक गिलाफ की मानद है या एक कवर की मानद है। जैसे हम अक्सर घरों में अपने सोफ़ों के ऊपर गिलाफ चलाते हैं, कपड़ा उसके ऊपर लगाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि जो भी अगर बच्चे उसको गंदा कर दें या स्याही फेंक दें, तो जो वो सारा जो स्याही के निशान हैं वो गिलाफ के ऊपर रहेंगे। नीचे से वो जो सोफ़ा है या कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर कवर चलता है वो बिल्कुल वो ठीक रहती है। और बाप का किरदार बिल्कुल इसी तरह है, वो अपने बच्चों के लिए एक गिलाफ की मानद है। घर में जितनी भी परेशानियां हों, दुख हों, मुसीबत हो, गुर्बत हो, और बाप उनको बर्दाश्त करता है, लेकिन वो बच्चों की तमाम ज़रूरियात को वो पूरा करता है। वो भले खुद परेशान हो, वो जैसा भी करे, लेकिन वो अपने बच्चों को परेशान होने नहीं देता। उनके खुदा भी, वो हमारा कादर मुतली खुदा, उसकी मिसाल तो हमारे सामने है। वो हम सब का परवरदिगार है, वो हम सब की हिफाजत करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, इमसाल की किताब, तो यहाँ पर सुलेमान बादशाह, वो अपने बच्चों को, वो भी उनको तालीम देता है, उनको सिखाता है। तीसरे बाब में वो कहता है अपने बच्चों को, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर। वो बाप होते हुए, क्योंकि उसने भी अपने बाप से सीखा था। चौथे बाब में वो कहता है कि मेरा बाप मुझे सिखाता था, अब वो उसने अपने बाप से सीखा था बचपन में, अब सुलेमान अपने बच्चों को भी सिखा रहा है। वो कहता है मेरी तालीम को फरामोश ना कर, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती को हासिल करेगा, यूं तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूल और अक्लमंदी हासिल करेगा। सो जो बाप अपने बच्चों की
تعلیم و تربیت کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کے مطابق، وہ بچے مستقبل میں خداوند کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنتے ہیں، وہ واقعی کامیاب ہوتے ہیں، وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں سلیمان، وہ کہتا ہے چوتھے باب میں کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا، میں اپنے باپ کا پیارا تھا، لاڈلا تھا، میں نے اس سے سیکھا۔ تو اگر وہ سیکھتا رہا تو آپ جانتے ہیں سلیمان کی زندگی میں واقعی خدا نے اس کو بڑی سرفرازی دی تھی، خدا نے اس کو بڑی اقبال مندی دی تھی، بہت زیادہ خدا نے اس کو حکمت سے نوازا تھا۔ جتنی خدا نے اس کو یہ برکت دی تھی، حکمت کی، دانائی کی، نہ صرف یہ بلکہ دولت اور شہرت، یہ سب کچھ خدا نے اس کو بہت زیادہ دیا تھا۔ اور سلیمان آگے اپنے بچوں کو بھی یہی وہ تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے بیٹو، میری تعلیم کو فراموش نہ کرو۔ تو ہم جو باپ ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ جو بہت برا وقت گزر رہا ہے، اس وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت خداوند کے پاک کلام کے مطابق کریں، اور ہمارے بچے بھی اگر ہم ان کو سکھائیں گے، ابھی وہ بچے ہیں وہ سیکھ جائیں گے، جیسے ہم باپ ہیں، ماں باپ ہیں، جو ان کے سامنے کریں گے، ہمارا کردار ان کے سامنے ہے، تو وہ بچے مستقبل میں وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے وسیلے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ سو بچوں کو چاہیے وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، کیونکہ جو باپ ہے وہ اتنی مشکلات کو برداشت کرتا ہے لیکن اپنے بچوں پر مشکلات نہیں آنے دیتا۔ تو میری تمام ناظرین سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہم جتنے باپ ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت خدا ان کے پاک کلام کے مطابق کریں گے تو ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے، جیسے داؤد نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، سلیمان کی، اور دیکھیں سلیمان کو کتنی خداون نے برکت دی تھی۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت خدا کے پاک کلام کے مطابق کریں گے، ہمارے بچے بھی خوب کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر سیمسن شفقت، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا اور ہمیں بتایا کہ ایک باپ کا کیا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ پاسٹر جی نے ہمیں بتایا کہ ایک باپ جو ہے وہ ایک غلاف کی طرح چیزوں کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں صوفوں پر، تکیوں پر، بیڈ شیٹ پر ہم چادر بچھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، تو اس کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ اور ایک باپ بھی اپنے بچوں کی اسی طرح پروٹیکشن کرتا ہے، وہ باہر سے ہر طرح کا گرد و غبار، ہر طرح کا جو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، چاہے کتنی بھی جو ہے وہ زندگی کی مار پڑے، کتنی بھی جو ہے پیچیدگیاں آئیں، ایک باپ بالکل شیلٹر کی طرح، ایک غلاف کی طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے بچوں کو۔ تو میرے عزیزوں، اسی باپ کے ان کردار کو، باپ کی اس خوبصورت شخصیت کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔